हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहा हूँ फिजिक्स में चल रहे साउथ स्क्रीनिंग टेस्ट के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के ऊपर। आज के इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप इसको अच्छे से आराम से पढ़िए और इसका आंसर आप पॉज करके जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ कह रहा है टू वायर्स मेड अप ऑफ जर्मन सिल्वर टेकन सच दैट द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकेंड वायर इज ट्वाइस एंड थ्राइस रिस्पेक्टिवली। यानी लेंथ और एरिया की बात कर रहा है, लेंथ दोगुना हो जाता है, एरिया तीन टाइम्स हो जाता है। दोज ऑफ द फर्स्ट वायर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर इज 12 ओम, अगर सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर। फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस आपको पता करना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां पर रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ एंड A क्रॉस सेक्शन एरिया है और R रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जब हमको फर्स्ट वायर की बात कर रहा है तो हम इसको R1 बोलेंगे और सेकेंड वायर जो बात कर रहा है उसको R2 बोलेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, R2 का लेंथ जो है वो ट्वाइस है तो 2L लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 3A, क्योंकि एरिया जो है वो 3 टाइम्स है। इसमें से अगर आप कॉमन निकाल ले 2/3 को तो हम लिख सकते हैं रो L बाई A, जो कि एग्जैक्टली किसके बराबर है, R1 के बराबर है। तो यहां पर आप देखिए तो R2 का वैल्यू भी दिया हुआ था 12 ओम, वो पुट करेंगे यहाँ पर R2 इक्वल टू 12 ओम इक्वल टू 2/3 ऑफ R1, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमारे R1 से मिलती जुलती है। तो इसीलिए R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2 और ये 6 3 18 ओम। यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 18 ओम आ जाएगा, कि हमारा पहले वायर का रेजिस्टेंस 18 होगा अगर दूसरे वायर का 12 है। तो हमने कैसे निकाला ये आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है एक्स, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसको पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और तब तक मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन बताता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या मालूम है, देखिए यहाँ पर जो ये करंट है, यहाँ से जा रहा है करंट, वो हमको वैल्यू पता है। तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है I=V/R, इसमें हमको क्या क्या मालूम है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो गिवन है 8 वोल्ट, ठीक है 8 वोल्ट वोल्टेज पता है और हमको यहाँ पर करंट पता है। तो हम रेजिस्टेंस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I हो जाएगा, जहाँ पर वोल्टेज हमारा 8 है एंड करंट 0.5, जो कि कैंसिल करने पर 16 ओम का हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 16 ओम और इन तीनों को कैलकुलेट करने पर, ये तीनों को अगर हम कैलकुलेट करें जो कि पैरेलल में है, तो ये हमारा 4 ओम 12 एंड 6 ओम का हमारा जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 ओम। 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6 कीजिएगा आपका 2 आ जाएगा एंड 2 इसके साथ सीरीज में ऐड हो जाएगा 2 + 4 = 6। और ये जो एक्स रेजिस्टेंस है ये भी तो हमारा सीरीज में है, तो इसका मतलब हमारा 6 ओम में क्या ऐड करें जो कि 16 हो जाए, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 16 है। तो इसीलिए एक्स का वैल्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको समझना था कैसे कैसे हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वहां पर क्या पूछा जा रहा है। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 5, 3, 7 आर कनेक्टेड इन सीरीज across a battery potential difference 3 volt.
फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पर सिर्फ वर्ड का खेल है, अगर आप इस वर्ड से क्वेश्चन का डायग्राम बनाना आ गया आपको तो सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन भी, बहुत टाइम नहीं लेगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये भी। 5 ओम, 3 ओम, 7 ओम, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ जो कि 3 वोल्ट का है। ठीक है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा। तो V इक्वल टू आई आर होता है, पहले हम I पता कर लेते हैं कि यहाँ से करंट कितना जा रहा है। I इक्वल टू V बाई आर होता है, वोल्टेज 3 है और रेजिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 7, 3, 10, 5, 15, 15 हो गया। और यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/5 हमारा करंट हो गया। करंट पता चल गया तो अब वोल्टेज आराम से पता चल जाएगा, V इक्वल टू आई आर, आई निकला है 1/5 इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस 3, जो कि हो जाएगा 3/5। क्लियर है, 3/5 कितना होता है, अगर आप इसको पॉइंट में बदलेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.6। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6 वोल्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको, आराम से यहाँ पर आप निकाल पा रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एक ना एक आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे बोल लीजिए या फिर मोशन पे बोल लीजिए, किसी ना किसी पे ग्राफ से तो रिलेटेड क्वेश्चन हर बार ही किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ओमिक कंडक्टर कौन सा है। ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, V इक्वल टू आई आर को जो फॉलो करता है वो ग्राफ कौन सा है। ये इक्वेशन हमको क्या बताता था कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो हमारा करंट भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो V और I का जो ग्राफ है ना, या फिर I और V का बोलिए, वो लीनियर होना चाहिए। तो कौन सा ग्राफ है यहाँ पर जो लीनियर है, ऑब्वियसली ये नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, किस चीज को साइज एंड शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने पढ़ा है रेजिस्टिविटी के बारे में, आंसर भी इसका ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी हो जाएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर एंड मटेरियल पर, ओनली इन दोनों चीजों से इसको फर्क पड़ता है। और बात करें अगर रेजिस्टेंस की, जिसका फॉर्मूला रहता है रो एल बाई ए, तो इसको फर्क पड़ता है लेंथ से, एरिया से, एंड क्योंकि यहां पर यह है तो टेम्परेचर एंड मटेरियल से, इसको इन सब चीजों को फर्क पड़ता है। बट रेजिस्टिविटी की सिर्फ बात करें तो इसको किसी भी शेप से कोई मतलब नहीं, साइज से कोई मतलब नहीं। तो आंसर विल बी रेजिस्टिविटी। इंडिपेंडेंट पूछा है यानी स्वतंत्र है, किस चीज से, शेप एंड साइज के डिपेंड करने पे इसको वेरी नहीं कर सकता। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, यहां पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द करंट सप्लाई बाय द वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है ये कितना करंट सप्लाई कर रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले, तभी आप इसका करंट फाइंड आउट कर पाएंगे। जो यहाँ पर निकलेगा हमारा करंट I इक्वल टू, यही फाइंड आउट करना है। I इक्वल टू फॉर्मूला होता है V बाई आर। तो अगर हमको वोल्टेज पता है जो कि 20 है, रेजिस्टेंस कौन सा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से पीछे से इसको सॉल्व करेंगे। ये तीनों देखेंगे सीरीज में है, 3 + 4 + 3, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10 ओम। 10 ओम पैरेलल में किसके साथ हो गया, 40 के साथ। 10 और 40 का पैरेलल सॉल्व कर लेंगे, 10 और 40 का पैरेलल क्या हो जाता है, 10 × 40 / 40 + 10, ये 50 हो गया, 50 और 400, तो ये आपका 5 8 जा। तो यहां पर ये
जो है इन सब का मिलके 8 हो गया। तो ये हमारा 8 ओम हो गया, और ये 8 इसके साथ सीरीज में, इसके साथ सीरीज में, 8 9 10, और ये 10 10 का पैरेलल हो गया हमारा 5 ओम, और ये फिर 5 इन दोनों के साथ सीरीज में, 6 4 10 5 15। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट हमारा निकल चुका है 15। ठीक है, वही वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 4/3, जो कि हमारा होता है यहां पर ऑप्शन में देखें तो 1.33 के आसपास, जो कि 1.34 से आप बता सकते हैं। तो I इक्वल टू 1.34 एम्पियर, 4/3 को आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन इजी है, ये भी देखने आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, इसको पॉज करके आप खुद कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। यहां बोल रहा है फाइंड द करंट थ्रू द रजिस्टर R4। इफ R4 से कितना करंट जा रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है, यानी यहां पर कितना करंट जा रहा है वो फाइंड आउट करना है। जहां पर हमको दिया रहा है R1 R2 R3 बराबर है 30 के, R1 R2 R3 सबका वैल्यू है 30 ओम, लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है, और R4 का वैल्यू है 40 ओम। ठीक है, वोल्टेज वोल्टेज दिया हुआ है 5 वोल्ट का बैटरी यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, ये प्लस है प्लस लिख देते हैं, माइनस ये माइनस लिख देते। यहां पर अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। हालांकि ये तीनों देखने में सीरीज है बट ये सीरीज है नहीं। इसको देखिए, ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। फिर यहां से यहां तक गए और यहां पे भी पहुंच गए, ये भी पॉइंट क्या है? ए ही है, क्योंकि यहां से यहां तक में भी कोई रेजिस्टेंस है नहीं। जब तक रेजिस्टेंस नहीं होता तब तक कोई भी पॉइंट अपना नाम चेंज नहीं करता। वैसे ही ये भी बी, और ये और यहां पर भी बी। अब एक एक रेजिस्टेंस को देखिए तो ये पता चलेगा आपको ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है, ये पता चलेगा ये भी ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है, और ये पता चलेगा कि ये भी ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर हम पॉइंट ए एंड बी को ड्रॉ करें, इसके बीच में हमें 3 रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं, और ये तीनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं? इसका मतलब 30 30 30 सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में है, और 30 ओम 3 टाइम्स होगा तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 30/3, जो कि 10 ओम का हो जाएगा। और ये 10 ओम, ये पूरा जो आया हमारा 10 ओम, ये इसके साथ सीरीज में ऐड है, और हमारा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फिर? 40 ओम के साथ 50 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब आंसर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आई इक्वल टू वी वाई आर, वोल्टेज हमको पता है 5 है, और 50 रेजिस्टेंस, 1/10, इसका मतलब 0.1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, 0.1 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन भी आप समझ पा रहे होंगे। अब एनालिसिस करते हुए आप देख पाएंगे कि ये तीनों क्या थे, सीरीज थे कि पैरेलल थे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर भी क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखें। यहां पर क्या कह रहा है, 3 रजिस्टर R1, R2, R3 ऑफ R1 का वैल्यू जहां पर दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, R1 का वैल्यू 20, R1 यहां है 20 ओम। ठीक है, उसके बाद R2 का वैल्यू भी 20 ओम, एंड R3 जो है वो 30 ओम का है। ठीक है, ये जैसे जैसे मेंशन करता है वैसे लिख लिया कीजिए, तभी आप सॉल्व करेंगे। कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, बैटरी जो है 24 वोल्ट का, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। As shown in the figure, if the resistance of the voltmeter, यहाँ पर एक voltmeter लगा है, इसका भी resistance है। तो resistance इसका internal resistance को कहा जाता है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर connected होगा, और जो कि है 20 ओम का, ये given है। आपको सोच रहे होंगे कि ये कहाँ लगाना है, तो ये सीरीज में यहाँ पर 20 ओम का लगाना होगा। ठीक है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द voltmeter, voltmeter का क्या रीडिंग आता है वो हमको पता करना पड़ेगा। यहां पर क्या वोल्टेज आएगी, तो वो तो उतनी आएगी जितना यहां पर करंट जाएगा,
और उसका मल्टीपल इस 20 के साथ, क्योंकि V इक्वल टू होता है आई आर। ये करंट अगर हमको पता चल जाए, I इंटू आर कर लेंगे तो यहाँ का वोल्टेज हमको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले तो हमें यहां से कितना करंट जा रहा है वो पता करना है, फिर आई डैश एंड आई टू पता कर लेंगे, आई वन आई टू पता कर लेंगे। ये डिफरेंट यहाँ पर स्प्लिट होगा, यहाँ पर करंट इन दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस इक्वल है तो इक्वली यहाँ पर स्प्लिट होगा। तो चलिए यहाँ का जो करंट होगा वो ऑब्वियसली मेन सर्किट का करंट होगा कि नहीं, तो वो कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू वी बाई आर के फॉर्मूला से, जहां पर वोल्टेज हमको दिया हुआ है 24 वोल्ट और रेजिस्टेंस अब आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 30 प्लस 20 हमारा 50 हो गया, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का पैरेलल जो कि 20 और 20 का 10 ओम हो जाएगा वो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो 30 20 50 एंड 60, तो आर इक्विवेलेंट हमारा 60 ओम का हो चुका है। यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आई पता चल चुकी है और यहाँ की वैल्यू इसका मतलब आपको पता चल चुका है 24/60। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी रहने दीजिए कोई बात नहीं है। अब आई वन को अगर देखा जाए तो ये आई का हाफ होगा, आई का हाफ मतलब 24/60 इंटू टू यानी डिवाइड बाई टू किया हमने। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 और 12/5 = 60, तो यानी आई वन की वैल्यू क्या आ गई 1/5। अब यहाँ पर वोल्टेज जो पोस्टर है वो आराम से बता सकते हैं वी इक्वल टू आई आर, आई है हमारा 1/5 यहाँ वाला आई और यहाँ वाला रेजिस्टेंस है 20, तो 5 4 = 20, दैट्स वाई द वोल्टेज विल बी 4 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कैसे इसको सॉल्व किया गया है, उसको समझिए और फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो यहाँ पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वायर लिया, उसको कट किया गया, फिर उसको पैरेलल सीरीज में कुछ कनेक्ट किया गया है, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी। इफ अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, 5 मीटर का लेंथ है, उसको 5 इक्वल पार्ट में काटे गए, ठीक है। एक 5 मीटर का वायर लेते हैं, इसको 5 इक्वल पार्ट 1 2 3 4 5 भाग में काटा गया। देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर इनके हर टुकड़ों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ठीक है, कुछ ऐसे कनेक्ट कर लिया गया होगा, ये पैरेलल हो गए 5 टुकड़े, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वाज 100 ओम, यानी पहले इसका था 100 ओम, अब क्योंकि इसको 5 इक्वल पार्ट में काटा गया है तो ये सारे कुछ अलग अलग रेजिस्टेंस के हो जाएंगे, इक्वली डिवाइड भी हो जाएंगे, हर रेजिस्टेंस 20 20 20 ओम का हो जाएगा। और सारे जब 20 ओम के हो गए तो यहाँ पर भी सारे 20 ओम के हो जाएंगे और पैरेलल जब आप सॉल्व करेंगे 1/20 1/20 1/20 1/20 करके, तो 20/5 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा जो कि होता है 4 ओम। यही पूछा है आपको, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज आंसर नंबर बी, 4 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या लिखने चाह रहा है ये, वो अगर आपने समझ लिया है तो आपको आंसर भी आराम से मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, ये क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है, सर्किट देखते ही हम समझ सकते हैं कि जब भी ऐसा कुछ है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में बोल रहा है, ठीक है, ए एंड बी के बीच में। तो इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम इन दोनों पॉइंट की बात करें तो ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो रजिस्टर जो है ये पैरेलल में है और ये पैरेलल में है और ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो अब ये 4 4 पैरेलल में हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 ओम, ये भी 4 4 तो ये भी 2 ओम, अब 2 + 2 4 ओम, ऊपर का सर्किट
फोर ओम आ गया, ठीक है। और नीचे ये दोनों भी है, ये भी फोर ओम का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टू ओम का हो जाएगा। अब आप सर्किट को जब रीड्रॉ करेंगे तो आपका सर्किट कुछ इस तरह से बन चुका है, जहां ऊपर का जो पार्ट है वो 4 ओम का है और नीचे 2 ओम का। अब आपको 4 और 2 का बस पैरेलल सॉल्व करना है। सो आंसर विल बी, फॉर्मूला तो आपको लगाना है, क्या लगाना है लगाइए, नहीं लगाना तो यहां से आप डायरेक्ट ऐसे 4 1 बाई 2, ये फॉर्मूला आई होप आप सबको मालूम होगा, सिंपल फॉर्मूला 1 प्लस 2 एंड 1 बाई आर, एंड आर रेसिप्रोकल करके लिखते हैं 4/3, और 4/3 के हेल्प से हमारा आंसर क्या आ रहा होगा, 1.33, जो कि 1.34, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आज के सेशन में जो भी हमने वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। कुछ इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं।